नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और मैं आपको ये ज्योग्राफी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी आज इस किताब से पढ़ें, और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, विश्व का भूगोल पढ़ें। और विश्व भूगोल में आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका नदियाँ है, रिवर्स है, ठीक है। तो नदियाँ रिवर्स को पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नदियाँ रिवर्स को। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका दिया गया वन लाइनर उसको पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो जैसे दो पार्ट में आपका ये आएगा नदियाँ रिवर्स। तो चलिए पहला लाइन इसमें दिया गया है, दीर्घ काल में किसी जल धारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दीर्घ काल में किसी जल धारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम के रूप में जो है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। तो एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। तो आपका जो मेकांग नदी है वो आपका चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। अगला है विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा पुत्रा द्वार पर आपके द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर है। और वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है। मतलब वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है। तो डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी प्रंस घाटी रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है। तो राइन होती है। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी प्रंस घाटी रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है। तो राइन होती है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दोबारा काटती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दोबारा काटती है। तो लिम्पोपो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी वह देश जो अरिये अपवा रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वह देश जो अरिये अपवा रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका है। सर और आमू दरिया, तो सर और आमू दरिया नामक नदियां किस सागर में गिरती है। तो सर और आमू दरिया नामक नदियां आपका अरल सागर में गिरती है। काला सागर, ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं। तो नीपर है, डेन्यूबे है, निस्टर है और डॉन है। तो काला सागर में, ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो नीपर नदी है, डेन्यूब नदी है और निस्टर नदी है और डॉन नदी है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है। तो डेल्टा का निर्माण अजब छिछले समुद्र में होता है। तो डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो छिछले समुद्र में होता है। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी फ्रंस घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। तो आपका राइन होती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी फ्रंस घाटी में प्रवाहित होती है। तो राइन में होती है। और अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी काटती है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी वह देश जो अरिये अपवा रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो श्रीलंका प्रस्तुत करती है।
सर और आमू दरिया, तो सर और आमू दरिया नामक नदियां किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में गिरती है। तो सर और आमू दरिया नामक नदियां जो है अरल सागर में गिरती है। काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? तो नीपर है, डेन्यूब है, निस्टर है और डॉन है। ठीक है, तो काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नीपर है, डेन्यूब है, निस्टर है और डॉन है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो डेल्टा का निर्माण छिछले समुद्र में होता है। तो डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र में होता है। तो अब हम रिवाइज करेंगे एक बार, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अपवाह तंत्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है, दक्षिण अमेरिका में। एशिया की मेकांग नदी, तो एशिया की मेकांग नदी चीन म्यांमार लाओस थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ है? तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के पास है। ठीक है, उसके बाद वह कौन सी नदी है जो पांच यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो डेन्यूब नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और स्विट्जरलैंड जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी फ्रांस घाटी में प्रवाहित होती है? तो राइन है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। वह देश जो अरियप हवा रेडियंट ड्रेनेज का उदाहरण है श्रीलंका है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में। काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो नीपर है, डेन्यूब है, ईस्टर है, डॉन है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र पर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का, और कल का एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसको समाप्त करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था विभिन्न सागरों व महासागरों की लवणता। तो महासागरों की औसत लवणता 35 है, 35 प्रति 1000 ग्राम है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35 प्रति 1000 ग्राम है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति 1000 ग्राम है। और हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30 प्रति 1000 ग्राम है। अरब सागर की लवणता 36 प्रति 1000 ग्राम है। ग्रेट साल्ट लेक और संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता 220 प्रति 1000 ग्राम है। अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 प्रति 1000 ग्राम है। खुले सागरों की लवणता 33 से 37 प्रति 1000 ग्राम है। कैस्पियन सागर की उत्तरी भाग में लवणता 34 प्रति 1000 ग्राम है। और कारा बुगास की खाड़ी में लवणता 33 प्रति 1000 ग्राम है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल है। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सीजीगी हो तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में दो बार उत्पन्न ज्वार के माध्यम कितने समय का अंतर होता है? तो 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार एवं दो बार भाटा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।